हेलो फ्रेंड्स, केटीएनटी का और एक वीडियो ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे इज द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ दिस सेम वीडियो व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन, जो कि है एफए वाल्व, दैट इज फाइन एडजस्टमेंट वाल्व फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेसिफिकली मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर। तो जो लास्ट पार्ट हम आप लोगों ने मिस किया गया होंगे, आप देखे नहीं होंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आपका आई सेक्शन में भी आ गया होगा, आप देख सकते हैं। उसमें वी हैव डिस्क्राइब्ड एंड शोड हाउ वी कैन असेंबल दी एफए वाल्व एंड उसका काम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, सब कुछ हम लोग दिखा चुके हैं। आज का पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि हाउ वी कैन अटैच दैट विद द ऑक्सीजन सिलेंडर। तो उसके लिए हम लोग सब कुछ अरेंज करके रखे आप लोगों को दिखाने के लिए। फर्स्ट इज दी ऑब्वियसली ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो वो है हमारे पास। उसके साथ साथ ये रहा वो वाल्व जो लास्ट टाइम आप लोग देख चुके हैं, साइड फेस एंड पीछे ऐसे वाल्व रहेगा जो कि आपका ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। एंड इसको फिर हम लोग काम कैसे करता है वो भी आपको दिखाएंगे। एंड ऑक्सीजन का तो कलर नहीं होता है आप जानते हो, तो वी विल शो यू द डिस्पर्स साउंड, और जब निकलता है एक हिसिंग नॉइज आता है उससे आपको पता चलेगा, एज वेल एज वो जो ह्यूमिडिफायर बॉटल था जिसमें हम बताए थे कि वाटर के थ्रू जब ऑक्सीजन बाहर आएगा तो उसमें बबल होगा, तो उससे आप पता चल जाएगा कि सिलेंडर से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। एट द सेम टाइम जो आपको दिखेगा वो प्रेशर गेज में आपको प्रेशर भी दिखेगा, अगर वो जीरो हो गया तब आपका सिलेंडर खाली है, एंड अगर उसमें आपको वही 145 टू 150 प्रेशर तक है तो वो फुल है, एंड बीच में कहीं पे भी रह सकता है बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन, 50 रह सकता है, 100 रह सकता है, अप टू यू। उसके साथ साथ जो हमको बहुत ज्यादा जरूरत है वो है आपका ये प्रोडक्ट। ये बेसिकली देखिए यहाँ पे स्लॉट्स किया हुआ है दोनों साइड पे है, एंड दिस इज द थिंग, ये है आपका मास्टर वाल्व ओपन करने के लिए, जो हमने आपको बताए थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर भी एक वाल्व होता है उसको खोलने के लिए। एंड ये आपका एक स्पैनर है, ये कॉम्बाइंड स्पैनर है, इसमें भी ये आपका स्लॉट किया हुआ है ऊपर से खोलने के लिए, मगर क्या होता है इसका जो स्टेम है, वाल्व का जो स्टेम है वो अब कभी कभी थोड़ा डाउन में रहता है तो इतना छोटा में ये घुस नहीं पाता, इसीलिए दिस सी द डिफरेंस, बोथ का बोथ द फंक्शंस आर सेम, बट इसका स्टेम थोड़ा लंबा है, अगर डीप तक है तो आप घुसा के कर सकते हो, पर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो भी सकता है। ये प्रॉब्लम बेसिकली कब आता है कि सिलेंडर थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया, उसका जो ऊपर का जो हेड वाल्व है वो थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया है, तो उस टाइम ये सब प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि नॉर्मली अभी जब नया सिलेंडर आएगा तो आपको ये सब फेस नहीं होगा, तो यू कैन सिंपली कीप दिस हैंडी, आप इसी से आपका काम हो जाएगा। और एक चीज वाइटल है जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत जगह पे देता है नहीं देता है, बट हम लोग देते हैं, दैट इज दिस वन पीटीएफई टेप। ये पीटीएफई टेप हम लोग क्यों देते हैं और कहाँ पे देते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, एंड इसका देने से फायदा आप ही को है, ये दाम तो बिल्कुल 10 रुपए का एक रोल आता है, दैट कैन वर्क अलॉन्ग, बट देने से आपका ये होगा कि आपका 0% ऑफ लॉस में आप आ जाएंगे, कहीं से भी कोई भी लॉस आपको दिखेगा भी नहीं और होने का चांसेस भी नहीं है। वरना क्या होगा कि कभी कभी लॉस हो रहा है, आपका ऑक्सीजन निकल रहा है मगर आपको समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज वो कहाँ से लीक हो रहा है, वो आपका एफए वाल्व एंड सिलेंडर का जॉइंट से लीक हो रहा है, वहां पे तो आपका कोई ह्यूमिडिफायर बॉटल नहीं है जो बबल होगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ऑक्सीजन आउट हो रहा है, आपको समझ में भी नहीं आया, क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि हमने ह्यूमिडिफायर का जो आउटलेट वाल्व है उसको मैंने बंद करके रखा है, बबल नहीं हो रहा है, प्रेशर ठीक है, तो मेरा ऑक्सीजन ठीक है, मगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, क्योंकि बहुत जगह पे होता है कि हम लोग घर पे रख देते हैं एक सिलेंडर फॉर इमरजेंसी पर्पस, वो महीना महीना पर्प से पड़ा रहता है, तो उसमें ये लॉस हो जाता है कि जब आपका जरूरत हुआ आपने कवर हटाया देखे कि प्रेशर डाउन हो गया है तो क्यों हुआ है, तो दीज आर दी पॉइंट्स, वहां से ये सब लीकेजेस हो सकता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, आज आपको दिखाते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है, लोगों के लिए हम लोग वीडियोस लाते हैं, अगर कोई ज्यादा डिमांड्स है आपके पास हमें डिस्क्रिप्शन में लिखिए, हमारा मेल आईडी एंड फोन नंबर इज आल्सो अवेलेबल, हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर करने के लिए और प्रैक्टिकली शो करने के लिए वो सब वीडियोज भी आपके पास ले आते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड हमें एनकरेज कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होता है, थैंक यू, सो लेट्स गो। सो गाइज आप लोग देख सकते हो कि ये रहा हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ये करीब 3-3.5 फीट हाइट है एंड ये आपका 10.5 लीटर है, जो हम आपको बता रहे थे वाल्व, ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आपको ये वाल्व आएगा, ये इट इज फिक्स्ड विद इट, एंड सी इसमें भी एक जो इसका जो स्टेम है इसको आपको खोलना पड़ेगा, एंड उसके लिए यहाँ पे आपको दिया रहता है, देखिए ओपन लिखा हुआ है, ओपन एंड द एरो इज गिवन दिस साइड, मतलब आपका इस साइड से घूमेगा। तो अभी यहाँ पे हमने वो सारा सामान रखे हुए जो सब जरूरत होता है, तो हम ये लेते हैं एंड इसको इसके ऊपर लगाते हैं,
देखिए ऐसे ये लग गया। तो अभी जब इसको आप घुमाएंगे तो ये धीरे धीरे ऑक्सीजन निकालने लगेगा, मगर हम लोग ऑक्सीजन वेस्ट नहीं करेंगे, इसको रख देते हैं। एंड आपको दिखाते हैं प्रोसेस की कैसे हम लोग इसके साथ ये एफए वाल्व को लगा सकते हैं। तो ये एफए वाल्व को लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारा काम होगा इस एफए वाल्व को रेडी करना, तो उसके लिए वही है कि कैसे हम लोग इस एफए वाल्व को रेडी करेंगे। तो ये रहा हमारा वो पीटीएफई टेप, आप देख सकते हो। तो ये पीटीएफई टेप के थ्रू आप मतलब एक 10 रुपए का रोल से या 20 रुपीस का रोल से आप बहुत बार काम कर सकते हो। तो उसको हम लोग को इधर लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसमें थ्रेड में लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइज आप देखिए हम लोग कितना अच्छे से इसमें पीटीएफई टेप लगा दिए हैं। कुछ नहीं करना इसमें, बेसिकली सेल्फ एडेसिव टाइप ही होता है, तो अच्छे से आप जस्ट राउंड करके लगा दीजिए एंड सी कितना सुंदर से ये हो गया। ये बेसिकली क्या किया आप क्लोजली देखिए, जो भी थ्रेड था ना, थ्रेड के गैप में ये पीटीएफई टेप अभी घुस के बैठ गया है। अभी देखिए जब हम इस इधर लगाएंगे इसको, तब ये पीटीएफई टेप भी इसके साथ साथ ही काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली एयर सील हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए ऐसे हम इसको इसमें इंसर्ट कर दिया है एंड करके इसको नॉब को ऐसे हम टाइट कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप टाइट करोगे ये टाइट होता जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आप इसको एडजस्ट भी कर पाएंगे। देखिए अभी लग गया है, इसको टाइट कर देता हूँ अच्छे से। देखिए ये टाइट तो हो गया है अभी, मगर इसके बाद अभी इसको देखिए कैसा दिखेगा सी। सो दिस विल बी द लुक लाइक जो हम आपको कल भी दिखा रहे थे, समझाने की कोशिश भी किया है हम लास्ट वीडियो पे। इसको अभी आप एडजस्ट करके ऐसे सीधा रखिए, रखने के बाद वहां से हम लोग इसको प्रॉपरली टाइट करेंगे। कहाँ से? इधर इधर जो इसका जो मेन ये जो नॉब है इसको हम लोग टाइट करेंगे। तो गाइस देखिए अभी इंस्टॉलेशन हो गया है पूरा, हम लोग इसको टाइट कर दिया है। और इधर जो हम आपको बता रहे थे कल भी कि हमें ये ह्यूमिडिफायर बॉटल में पानी डालना है, देखिए यूज्ड डिस्टिल्ड वाटर ओनली। तो इसमें क्यों बोला जाता है कि हम भी आपको कल बताए थे कि आप थोड़ा अच्छा पानी यूज़ कीजिए, हो सके तो आप आरओ या फिर एक्वागार्ड या फिर पीने का पानी यूज़ कीजिए, क्योंकि कभी कभी हाई स्पीड में जब आप फ्लो रेट बढ़ाते हो यहाँ पे बबल होता है तो कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर पार्टिकल भी जा सकता है, तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो हेल्थ में इसलिए। एंड देखिए यहाँ पे मैक्सिमम है मिनिमम है मैंने बीच में रख दिया है। बेसिकली कंसेप्ट ये जो वाइट आपका जो है स्टेम, ये आपका पानी के अंदर रहना चाहिए, तो बस उसकी हिसाब से अकॉर्डिंगली आप पानी डाल सकते हो। अभी भी देखिए हमारे इधर प्रेशर 50 में है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग बल्ब को आपको दिखा दें टाइम थोड़ा सा खोल दिए थे इसीलिए ऐसा है। अभी देखिए हम लोग टोटल खोल देते हैं, अभी जीरो पे है तो हम इसका बल्ब को ओपन करते हैं और ये ऑटोमेटिकली ये प्रेशर आपका उठेगा जितना भी है सिलेंडर पे। ये डेमो सिलेंडर है, देखिए धीरे धीरे खुल रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है आपका। ये देखिए एक बार में ये 50 में पहुंच गया, अभी इसमें 50 है, मगर ये आपका ये 147 से 150 तक जाना चाहिए। तो अभी ये डेमो सिलेंडर है इसमें कम है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, मगर है ऑक्सीजन प्रेशर में जो दिख रहा है। अभी जो मेन पार्ट है कि अभी आप कैसे ऑक्सीजन को ऑन करोगे, तो अभी इसको आप ऑन कीजिए। जैसे आप ऑन करोगे देखिए यहाँ पे बबल होना स्टार्ट हो गया है, अभी यहाँ पे बबल हो रहा है मतलब ऑक्सीजन आ रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट इज हियर, ये जो आपका मेजरिंग है यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है LPM मतलब लीटर्स पर मिनट, और वहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके है। तो देखिए ये जो ब्लैक था कल हम आपको दिखाए थे, इसको हम उठाते हैं धीरे धीरे। ये देखिए यहाँ पे हो गया 2 LPM, अभी देखिए उठ गया 3, 4, अभी देखिए 8 पे आ गया है, 10 पे आ गया है। 10 इज द मैक्सिमम, और ऑक्सीजन निकल कहाँ से रहा है, 10 पे तो हम लोग दे दिया है, साउंड तो आपको सुन ही रहा होगा। ये देखिए ऑक्सीजन आपका आ रहा है इधर से, बढ़ाएंगे उतना आपका वाटर के थ्रू ये बबल होके इधर से निकल रहा है। अभी हम बंद कर दिए, ये बंद हो गया, धीरे धीरे बंद होगा। और यहाँ पे देखिए 50 में था, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, अभी जितना आप बढ़ा दोगे उतना ये फास्ट घटेगा। ऐसे बंद होने के बाद आई वुड सजेस्ट ऑलवेज कि आप इसको भी थोड़ा बंद कर दो ऊपर से, ताकि आपका कहीं से भी कोई लॉस होने ना हो। ये बंद हो गया,
तो टोटल आपका देखिए बबल भी डेड हो गया है और यहाँ पे आपने पीटीएफ भी डाल दिया है, तो यहाँ से भी कोई लीकेज नहीं, तो बेसिकली और कोई लीकेज होने की चांस नहीं है। अभी आप देखना चाहते हो कि मास्टर वाल्व बंद करने के बाद भी ये ठीक से बंद हुआ है कि नहीं, उसके लिए खाली इसको आप ऑन कर दो एक बार। ये देखो जीरो हो गया, जितना आपका इसके अंदर था उतना निकल गया। तो गाइज यही है, और होपफुली गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा, और हमने बेसिकली ये प्रोसेस आपको दिखा दिया कि आपको जानना भी ज़रूरत है, घर पे इमरजेंसी में कहीं पे भी लग सकता है, तो ये आपका कैसे इंस्टॉलेशन होता है आप देख के यूज़ कर सकते हो, ऐसे अपने आप कोशिश भी कर सकते हो, इसमें कोई उतना सीरियस कुछ नहीं है, मगर जानकारी होना ज़रूरी है वरना आपको भी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सो होपफुली गाइज अच्छा लगा, तो चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड एज ऑलवेज सेफ्टी फर्स्ट।